सिंगर और एंकर आदित्य नारायण अपनी शादी के बाद अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ के साथ की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की शादी 2020 के एंड में हुई है और उसके बाद कपल की एक साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही फैंस द्वारा वायरल हो जाती हैं। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की जोड़ी एक साथ बहुत ही प्यारी लगती है और अभी ये कपल अपने सेकंड हनीमून के लिए नासिक महाराष्ट्र के सुला वाइनयार्ड पहुंचे हैं। पहाड़ और ग्रीनरी फार्म के बीच रिसोर्ट की कुछ तस्वीरें आदित्य नारायण ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। कपल तस्वीरों में अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आज आदित्य नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ की एक सेल्फी शेयर की है जिसमें कपल खेत में कैमरे को स्माइल करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में श्वेता अग्रवाल ने ऑरेंज जैकेट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, वहां आदित्य नारायण व्हाइट टी शर्ट के साथ दिखाई दिए। और भी तस्वीरें आदित्य नारायण ने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज के जरिए शेयर की है जिसमें वो रिसोर्ट के पूल के बाजू में सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। आदित्य नारायण की ये वेकेशन की तस्वीरों को फैंस खूब प्यार देते हुए लाइक्स कर रहे हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट्स भी कर रहे हैं। आदित्य नारायण अपने पहले हनीमून के लिए कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे थे और वहां से भी ये कपल ने अपनी बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें और वीडियो शेयर की थी। एक वीडियो में कपल बॉलीवुड सॉन्ग पर लिप सिंक करता हुआ भी नजर आया था। इसके अलावा कपल गुलमर्ग के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल ने हाल ही में 1 जनवरी 2021 को अपनी शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और उस सेलिब्रेशन की भी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। आदित्य नारायण के वर्क फ्रंट की बात करें तो आदित्य अभी चल रहे सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल में एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं और पिछले दिनों फैमिली स्पेशल एपिसोड पर सोनी टीवी ने आदित्य की फैमिली को भी इनवाइट किया था जिसमें पूरा जहा परिवार बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।